नमस्कार, आप देख रहे हैं अखाड़ा। आपके साथ में हूं लक्ष्मी उपाध्याय। आज अखाड़ा धर्मांतरण के धंधे पर होगा। दुनिया में तीन ऐसे बड़े धर्म हैं जिनके चलते दुनिया में धर्मांतरण जैसा शब्द अस्तित्व में आया। ये धर्म है बौद्ध, ईसाई और इस्लाम। एक दौर था जब तीनों ही धर्मों ने अन्य धर्मों के लोगों को अपने धर्म में स्वेच्छा से दीक्षित किया और स्वेच्छा से धर्मांतरित किया। उस दौर में इन तीनों ही धर्मों के सामने हिंदू, यहूदी धर्म के अलावा दुनिया के कई छोटे तमाम ऐसे धर्म थे। दौर बदलता गया तो तरीके भी बदल गए हैं, लेकिन धर्मांतरण का धंधा आज भी जारी है। कभी लालच, कभी प्रलोभन, तो कभी अंधविश्वास का डर दिखाकर धर्मांतरण का धंधा चला रही मिशनरियां लोगों को अपना निशाना बना रही हैं। दूसरी ओर हमने देखा है कि बदलते दौर में धर्मांतरण की धमकी के मामले भी हम देख रहे हैं। पिछले दिनों बागवत में आपने देखा कि हत्या के मामले में प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम परिवार के करीब 15 लोगों ने हिंदू धर्म ग्रहण किया। तो आज मेरठ से मामला सामने आया जहां मूर्ति की स्थापना न होने पर करीब 100 परिवारों सहित 1500 लोगों ने यह धमकी दी है कि अगर मूर्ति स्थापित नहीं की गई तो हम सीधे तौर पर मुस्लिम समाज को या मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लेंगे। सवाल यह है कि आखिर धर्मांतरण की धमकी से क्या बात बनेगी, जिस तरीके से हम लगातार धमकियां देख रहे हैं। सवाल यह कि आखिर क्यों खेला जा रहा है धर्मांतरण का खेल, कौन खेल रहा है ये खेल, इसके पीछे की वजह क्या है। एक अहम सवाल यह खड़ा होता है कि चुनाव नजदीक आते ही धर्म परिवर्तन के मामलों में आखिर इजाफा क्यों हो जाता है। चुनाव नजदीक आते हैं और धर्म परिवर्तन के मामले भी बढ़ते जाते हैं। हिंदू कहते हैं अगर कोई भी समस्या हो गई है तो हम मुसलमान बन जाएंगे, हमारी मांग पूरी होनी चाहिए। मुसलमान कहते हैं कि हम हिंदू बन जाएंगे। एससी वर्ग कहता है कि हम बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेंगे। सवाल यह भी है कि धर्म परिवर्तन साजिश है, षड्यंत्र है या फिर चुनावी बिसात है। एक बड़ा सवाल जो हम आज अखाड़ा में आज पूछेंगे कि आखिर कहां तक फैली हैं धर्मांतरण के धंधे की जड़ें, और बड़ा सवाल यह कि आखिर कौन है धर्मांतरण के धंधे का जिम्मेदार। आज अखाड़ा तमाम बड़े सवालों पर होगा। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। क्यों नहीं रखी जाएगी, हम मुसलमान बन जाएंगे ना रखेगा तो हम योगी सबको कहेंगे इस बात को। कितने परिवार हो आप? हम तो बहुत है, कम से कम 150 सारे हम, 1500 सारे, 150-1500 सारे आदमी हम। सब धर्म परिवर्तन करेंगे और क्या बताएं, सभी करेंगे हम तो। क्या करेंगे? मुसलमान बनेंगे। कितने परिवार बनेंगे? 1500 परिवर्तन इसलिए करना पड़ा जी, कुछ दबंग लोग हमारे गांव के तो हमारे मूर्ति नहीं लगने दे रहे हैं। आदिल भाई आईडी, भैया आईडी, आदिल भाई आ सकते गांव में आ चुकी है और उसे वो मंदिर में रखने से रोक रहे हैं और वहाँ पे लेके जा रहे हैं तो झगड़ा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो ना स्थिति ये बनी हुई आ रही है कि कुछ लोग उस मूर्ति को रखना नहीं चाह रहे, वहाँ पे ताला लगा दिया और वहाँ पे झगड़ा करने की स्थिति बना रहे हैं। वो लोग डंडे लेके बैठे हैं। क्यों नहीं रखने दे रहे मूर्ति? वो इसलिए नहीं रखने दे रहे क्योंकि उनको कि वहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है, ट्रैक्टर खड़े होते हैं और वहाँ पे शादी के लिए टेंट लगाते हैं। वो कोई धर्मशाला नहीं है, वो एक कल स्थापना के लिए मंदिर है, सभी लोगों का मंदिर है और वो उस चीज को कहने नहीं दे रहे। वो अपने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हैं, ट्रैक्टर खड़े करते हैं, ताला लगाते हैं। अच्छा, कितने लोग हो जो धर्म परिवर्तन कर रहे हो? जी यहाँ पे कम से कम 100 परिवार है धर्म परिवर्तन करोगे? जी हाँ, पूरा बताएं जी। धर्म परिवर्तन हम बिल्कुल करेंगे, अगर हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम बिल्कुल करेंगे। नहीं, इसमें ऐसा मामला नहीं, कोई धर्म परिवर्तन ऐसा मामला नहीं है। ये थाना इचौली के मशहूरी में एक मंदिर है, पुराना मंदिर है, सोसाइटी है, वो एक सोसाइटी बनी मंदिर की, रजिस्टर्ड सोसाइटी है। उसमें गांव के कुछ लोग एक मूर्ति रखना चाह रहे हैं तो जिसमें सोसाइटी ने उनको मना कर दिया कि नहीं ऑलरेडी वो मंदिर है और उसमें हम और कोई नई मूर्ति नहीं रखेंगे। इस तरह की बात वहाँ आई थी और थाना इचौली के दरोगा जी वहाँ पे गए थे, उनसे बात कर ली थी और इस तरह की तो और कोई बात वहाँ पे नहीं आई। तो लगातार आखिर धर्मांतरण के धंधे क्यों सामने आ रहे हैं, एक बार फिर से धर्म कांड क्यों हमें देखने को मिला। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, सबका परिचय कराते हैं, उसके बाद इस बड़ी डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। मनोज यादव हैं समाजवादी पार्टी से नेता, हमारे साथ शामिल हैं। कुमार अशोक जी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से। अशोक सिन्हा जी संघ विचारक हमारे साथ शामिल हुए हैं। अथर हुसैन जी मुस्लिम स्कॉलर हैं। रजा रिजवी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ शामिल हुए हैं। अमरनाथ मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और थोड़ी ही देर में हमें मानस श्रीवास्तव जी ज्वाइन करेंगे। बहुत स्वागत आप सभी का इस खास डिबेट में शामिल होने के लिए। कुमार अशोक जी, पहला सवाल मेरे आपसे है, धर्मांतरण के धंधे पर आप लगाम क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? देखिए, धर्मांतरण एक बहुत ही संवेदनशील विषय है और आज धीरे धीरे अपनी जायज या नाजायज मांग को मनवाने के लिए लोग इस संवेदना को छूते हैं। कोई धर्मांतरण नहीं होने जा रहा है, ना ही कोई धर्मांतरण जैसी बात थी। यह पूरा विषय मेरठ के चौली गांव का है, चौली थाना क्षेत्र का है, जहां पे राजकुमार जी का पूरा परिवार वहां रहता है
और उसी समुदाय के दूसरे लोग जो उसी गांव के मुश्किल से 5 या 6 लोग, 2 परिवारों के लोग हैं जिन्होंने राजकुमार जी से ये कहा कि हम आपको वहां पे पहले सारे गांव के लोग एकत्र हुए, प्राचीन मंदिर है, इतना आपने सुना क्या कहा, 1500 लोग हैं, धर्म परिवर्तन करेंगे, नहीं, नहीं, मुस्लिम बनेंगे। मैं वही बताना चाह रहा हूँ। नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल 1500 लोग नहीं है। पूरी सी विषय यह है कि वो प्रांगण प्राचीन है, वहां काली जी की मूर्ति स्थापित करने के लिए सारे गांव ने चंदा एकत्र किया। जब चंदा एकत्र कर लिया, मूर्ति बन के आ गई, वहां से हस्तिनापुर गए, मूर्ति का ऑर्डर दे दिया, मूर्ति बन के आ गई, मंगलवार को मूर्ति वहां पहुंच गई, बुधवार को लगनी है, तो 5 लोग खड़े हो जाते हैं। क्योंकि संवेदना, मैंने आपसे कहा ना, संवेदनशील बनाना, किसी भी चीज को सेंसिटिव बनाना, ये इस समय एक राजनीतिक शगल बन गया है। और उसी राजनीति, कोई धर्म परिवर्तन नहीं होने जा रहा है, और ना ही कोई धर्म परिवर्तन होगा। बढ़ावा कौन दे रहा है? क्रिश्चियनिटी इज द लार्जेस्ट कम्युनिज्म, सबसे बड़ी जो कम्युनिटी है क्रिश्चियन की है, उसके बाद बौद्धिज्म की है, उसके बाद इस्लामिक है। तो यहाँ पर वो लोग जो कहते हैं उसे, लेकिन जब पता किया गया, सबने मना कर दिया, हम कोई धर्म परिवर्तन नहीं करने जा रहे हैं। और मामला भी सुलझ गया है, वहां आपस के बैठ के तय हो गया, काली जी की मूर्ति उनको लगाना है, नई किसी स्थान पर मूर्ति लगाने में। आपने शायद सुना नहीं, वो साफ तौर पर धमकी दे रहे हैं कि 1500 लोग हैं, 100 परिवार से हैं। मैंने कहा ना कि हम धर्म परिवर्तन करेंगे अगर वहां पर हमारी मूर्ति स्थापित नहीं की। मैंने आपसे कहा ना, जायज नाजायज मांग मनवाने का एक नया शगल बन गया है। ये नया शगल है जो संवेदना को, संवेदनशील चीजों को उठाते हैं, छूते हैं, और उससे लोगों को, लेकिन धर्म परिवर्तन हो ही नहीं सकता, ना कोई हो रहा है। आपने देखा पिछले दिनों बागपत में क्या हुआ? मैंने देखा था, कोई हत्याकांड में जब कार्रवाई नहीं हुई तो 15 लोगों ने बाकायदा जनेऊ धारा, जनेऊ वहां पर ग्रहण किया, उसके बाद हिंदू धर्म परिवर्तन किया। हिंदू मुसलमान बनना चाहता है, मुसलमान हिंदू बनना चाहता है, धमकी देने की ये बात है। और जबकि कोई धर्म परिवर्तन इस तरह से नहीं होता। धर्म परिवर्तन, धर्म एक आस्था का विषय है, धारण करने की विषय है, इसको धारण किया जाता है। बढ़ावा दे कौन रहा है सर? सवाल तो बड़ा ये खड़ा हो रहा है ना? सबसे बड़ा सवाल आप बढ़ावा दे कौन रहा है कि बढ़ावा कौन दे रहा है? बढ़ावा दे रहे हैं वो छद्म राजनीतिक दल जिनके पास ना सोच है, ना विचार है, ना आचरण है, ना संस्कार है, और वह एक मुद्दे की तलाश में इस तरह को बढ़ावा देते हैं, उन संवेदनाओं को हवा देते हैं, चाहे वो कोई भी छोटे छोटे दल हो जो सिर्फ जातिगत आधार पर बटे हैं, क्षेत्र के आधार पर। यादव जी, सीधे तौर पर आरोप आप समझ रहे होंगे कि कहां जा रहा है, कि आप लोग इसे बढ़ावा दे रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, प्रोपोगंडा बना रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए लक्ष्मी जी, एक विषय और उस पर बीजेपी के 2 स्टैंड, ये मेरी समझ से परे है। जब कोई मुसलमान हिंदू बनता है तब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है, और जब कोई हिंदू मुसलमान बनता है तब इन्हें दिक्कत हो जाती है। सवाल तो आपके लिए भी यही है, उल्टा कर दीजिए इसे, सवाल आप पर खड़ा हो जाए। बिल्कुल नहीं लक्ष्मी जी, समाजवादी पार्टी का एक क्लियर स्टैंड है, और आज आपके चैनल पे बता दे रहा हूं, धर्म हमारी आस्था का विषय है, लेकिन संवैधानिक रूप से जिसको अगर किसी धर्म को त्याग के दूसरे धर्म में जाना है, और उस पे किसी तरीके का कोई दबाव नहीं है। लेकिन धमकी के नाम पर क्यों सर? धमकी देकर क्यों कि ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसा कर लेंगे? तो ये तो चलन पैदा किया भाई, मौजूदा सरकार जो है उसको ऐसी तो राजनीति करनी थी, और अब वही राजनीति जब उल्टी पड़ने लगी तब इनकी समझ में, अब इनकी आंखें पता नहीं खुल भी रही हैं कि वैसे ही चिपकी हुई हैं। इनको तो बताना पड़ेगा ना, जब एक ही बात के 2 पहलू इनके हैं। आप अशोक, आज अशोक जी को सुन लीजिए, और आने वाले 4 दिन बाद अगर कोई हिंदू मुसलमान बन रहा होगा उस दिन सुन लीजिएगा ये क्या कहेंगे, उस दिन इनके बयान होगा, कल की डिबेट ले लीजिए। मैंने एक छोटी सी बात कही थी कि आखिर धर्म परिवर्तन कौन, उस हिंदुओं में कौन लोग कर रहे हैं, तो हमारे साथ सिन्हा जी बैठे, इनका क्या बयान था कल, बीजेपी के लोगों का क्या बयान था, समीर जी का, सब कुछ उलट, आज जस्ट उल्टा हो गया, आज इनके बयान बदल जाएंगे, आप देखिएगा, आज कोई धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा है, कल हो रहा है तो हाँ हो जाने दो, कोई बात नहीं। तस्वीरों को देखकर मनोज जी ने जो बात कही, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। इन्होंने ये आरोप लगाया कि हमारा बयान बदल जाएगा। स्पष्ट रूप से पंथ या मजहब यह ब्लैकमेलिंग की चीज़ नहीं है, ये व्यक्तिगत आस्था की है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पहले ही यह व्यवस्था बना दी है, और हम शुरू से सामाजिक समरसता पर काम कर रहे हैं कि संपूर्ण हिंदू समाज का एक श्मशान, एक मंदिर और एक पानी लेने का स्थान, यह तीनों एक ही होना चाहिए, तभी समाज में समरसता आएगी, और जब समाज समरस होगा तो देश का विकास होगा। यदि इसमें कोई बाधा उत्पन्न कर रहा है, सरकारें तो करती है ना, मैं समझता हूँ संविधान का उल्लंघन है, सरकारें तो खाई पैदा कर देती हैं। नहीं, अगर ये कर रहे हैं तो उन्हें गिरफ्तारी होनी चाहिए, आरक्षण दे देकर उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए, ऐसे लोगों की जो इसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। एक श्मशान, एक मंदिर और एक ही पानी पीने का स्थान,
यह तीनों समाज में एकता स्थापित करेगी। हम इस पर दृढ़ विश्वस्त रूप से बात कर रहे हैं और कोई बयान नहीं बदल रहे हैं। मनोज जी बयान बदलते होंगे मगर हम नहीं बदलते। लेकिन सवाल तो सर बड़ा खड़ा ये होता है कि आखिर 1500 लोग एक साथ आपको धमकी दे रहे हैं कि अगर मूर्ति स्थापित नहीं हुई तो हम मुस्लिम धर्म में चले जाएंगे, तो ये कौन इसको पनपा रहा है, कौन इसको इस तरीके से हवा दे रहा है? 2019 के चुनाव होने तक ऐसे कई नाटक होंगे, पर्दा गिरेगा, पर्दा उठेगा और कई प्रकार के ऐसे अभी बहुत बड़े बड़े कांड होने हैं, अभी कई प्रकार के कांड होने हैं और इन सब कांडों को देखना है, समझना है और इसे सगा कर रहा है। और यह मैं बता रहा हूँ कि ब्रेकिंग इंडिया, ब्रेकिंग इंडिया इस समय स्पष्ट रूप से दो भाग है, एक देश के लिए जीने मरने को तैयार है और एक देश तोड़ने के लिए तैयार है। तो जिनको बड़ी खलबली हो रही है मोदी से या वर्तमान सरकार से या हिंदुत्व के नाम से, वह बड़ी तेजी से व्यग्र है और कुछ भी करने को तैयार है, ऐसा कुछ हो सकता। मनोज जी एक सेकंड, माने जी क्या वाकई राजनीति का हिस्सा है ये कि 1500 लोगों ने साफ कह दिया मूर्ति स्थापित करिए नहीं तो हम मुस्लिम धर्म में जा रहे हैं? मैंने कल भी कहा था और आज भी मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि भारत में धर्म परिवर्तन सामाजिक से ज्यादा एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है, क्योंकि धर्म परिवर्तन का इतिहास अपने देश में कोई नया नहीं रहा है। हम लोग अगर प्राचीन भारत की बात करें तो सर्वप्रथम सम्राट अशोक ने अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। तो ये हम लोग को समझना चाहिए कि उस वक्त जब धर्म परिवर्तन हुआ करता था वो किसी एक उद्देश्य को लेकर के होता था। हमारे देश में ही सनातन धर्म से निकली अलग अलग विचारधाराएं, जिसमें एक कोई साकार ब्रह्म को मानता है, कोई निराकार ब्रह्म को मानता है, और बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, बहुत सारी क्रांति हुई, लोगों ने मूर्ति पूजा के विरोध करने वाले भी हमारे ही हिंदू धर्म से निकले हुए ही एक विचारधारा, एक पंथ है। सवाल इस बात का है कि आज इतना हल्ला हंगामा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो धर्म परिवर्तन है वो उसको सामाजिक समस्या ना मान करके उसका राजनीतिकरण किया गया। अब लोग भी देखिए जिस दिशा में सत्ता चलती है या शासक चलता है तो जो प्रजा होती है वो भी उसी तरीके से ही चलने की कोशिश करती है, क्योंकि उनको पता है कि धर्म एक आज की तारीख में एक बहुत बड़ा सियासी मुद्दा है। तो इसलिए सत्ता पर चोट करने के लिए लोग बार बार धमकाते हैं कि हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, और ये नया नहीं है। ये समाजवादी पार्टी की सरकार में भी जिस वक्त पलायन का मुद्दा चल रहा था तो जगह जगह लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि अगर हमको ऐसा नहीं किया गया तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे, अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या इस देश में खड़ी होती जा रही है और मुझे लग रहा है सियासी लोगों को इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अमरनाथ जी, क्या वाकई सरकार हो या सत्ता हो, बिना तमाशे के किसी को कुछ सुनाई नहीं देता, इसलिए ये नया तमाशा इजाद किया गया है, विरोध प्रदर्शन का एक नया तरीका निकाला गया है? हम इसको तमाशा नहीं मानते हैं, क्योंकि ये उस क्षेत्र का बहुत प्राचीन मंदिर है, जिस मंदिर की जमीन पे आसपास के लोगों ने पार्किंग स्टैंड बना लिया, लोग अपनी गाड़ी खड़ी करने लगे, मंदिर की जमीन पे कब्जा करने लगे। अब वही लोग ये नहीं चाहते कि वहां पे पुनः किसी और देवी देवता की मंदिर स्थापित हो। तो अगर वो मंदिर में मूर्ति स्थापित नहीं कर पाएंगे, अपने धर्म का पालन अनुपालन नहीं कर पाएंगे, तो ये कहेंगे ही कि हम दूसरे धर्म में जा रहे हैं। तो ये तो प्रशासन का काम है कि जब प्राचीन मंदिर है तो वहां पे क्यों नहीं हम उनके धर्म की मूर्ति को स्थापना करने में मदद करें, क्यों नहीं ऐसा हो रहा है कि वो मूर्ति स्थापित नहीं कर पा रहे नवरात्र में? उनको करने देना चाहिए, जब मंदिर है वहां पे, कोई दूसरे की जमीन पे तो कब्जा कर नहीं रहे, वो तो मंदिर की जमीन है और मंदिर की जमीन पे लोगों ने अवैध कब्जा किया है, कर रहे थे, उनको हटावे, इनको मूर्ति स्थापित कर दे, इसमें कोई गलत बात तो कर नहीं रहे वो लोग। लेकिन अमरनाथ जी, सवाल ये है कि अगर आप मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेंगे तो क्या वहां मूर्ति स्थापित हो जाएगी? देखिए, ऐसा है कि जब लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी तो ये सब बात कहेंगे अपनी बात को मनवाने के लिए कि मुस्लिम धर्म बन जाएंगे। अमरनाथ जी, हम आपको बता दें, एजेंडा जो आप लोग चला रहे हैं व्यक्ति का, अमरनाथ जी धर्म परिवर्तन का एजेंडा, ये सुनिए सुनिए, ये आवश्यकता बन गई है, लालचवश किया जा रहा है, इसको विभाजित करिए आप। मांगे मनवाने का आवश्यक तरीका है ना, इसमें कोई लालच है ना कोई आवश्यकता है। देखिए, जो जिस धर्म में है, जिस धर्म का वो पालन करता रहा है, उस धर्म में ही रहेगा। कोई भी आज हम किसी दरगाह पे चले जाएं, किसी चर्च पे चले जाएं, तो क्या हम सनातन धर्म छोड़ देंगे क्या, या हम ईसाई हो जाएंगे, या मुसलमान हो जाएंगे, सिख हो जाएंगे? ऐसा नहीं है। हम दूसरे धर्म का सम्मान करें, मगर अगर हम दूसरे धर्म बदलने की बात करते हैं तो हमारा नाम मन बदलेगा,
ना हृदय बदलेगा। रजा रिजवी जी, ये दिखाने आप के लिए कैसे देख रहे हैं? करेंगे ये पहला मामला नहीं है, लगातार हम ऐसे मामले देख रहे हैं। बागपत में आपने देखा होगा 2 अक्टूबर को एक मुस्लिम समाज के 15 लोगों ने हिंदू धर्म पर ग्रहण कर लिया, सिर्फ इसलिए कि प्रशासन की कार्यवाही से वो लोग संतुष्ट नहीं थे। मेरठ में हम देख रहे हैं साफ चेतावनी दे जा रही है कि अगर वहां पर मूर्ति नहीं लगाई गई तो हम मुसलमान बन जाएंगे। ये क्या तरीका है? देखिए, मैं तो देख रहा था आपकी डिबेट में जो महिला कह रही थी, हाँ, 1500 हैं हम, वो कह इसलिए रही थी कि उसकी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई है वहाँ, हाँ, पर इस कारण वो अपने जोश में कह रही है कि साहब 1500 लोग जो है हम लोग मुसलमान हो जाएंगे। तो जाना पड़ेगा पृष्ठभूमि में पहले कि जब सनातन धर्म बहुत पुराना धर्म है और उसमें बुत परस्ती थी, जो खाने काबा हमारा है, खाने काबा में 360 ताक थे, वहाँ सब उन ताकों पर बुत रखे हुए थे, लात मनात उज्जा, ये बड़े बुत थे जिनके नाम हैं। मोहम्मद साहब जब आए तो उसके बाद गारे हीरा पर वो गए, पहाड़ी है वहाँ से कुछ दूरी पे, 40 दिन तक वहाँ रहे। जब वहाँ से वो नीचे उतरे तो ये मक्के में कहते हुए उतरे, कुलू ला इलाहा तुफलेहू, कहो कोई खुदा नहीं सिवाय अल्लाह के। तो वहाँ मक्के में लोग नाराज़ हो गए क्योंकि वहाँ बुत परस्ती थी, सब बुत पूछते थे खाने काबा के अंदर, हर आदमी के कबीले का जो बड़ा होता था उसका बुत रख के उसका पूजा करते थे, दुआ मांगते थे। तो जैसे मोहम्मद साहब ने कहा वैसे लोग नाराज़ हो गए कि साहब ये क्या कह रहे हैं, हमारे खुदा को बुरा कह रहे हैं। तो लोग उनके ऊपर रोड़ियाँ फेंकने लगे, लोग उनके ऊपर जो है कंकरियाँ फेंकने लगे, लोग उनको जो है जादूगर कहने लगे, इनकी बात में जादूगर है ये कहने लगे। तो अब जब ये महिला कह रही है कि साहब वहाँ पर जो है हम बुत नहीं रखने पाएंगे तो हम इस्लाम कबूल कर लेंगे, तो क्या ये बुत परस्ती छोड़ के इस्लाम को कबूल करेंगी कि बुत परस्ती चालू रहेगी? अगर बुत परस्ती चालू रहेगी तो इस्लाम में दाखिल नहीं हो सकती है, इस्लाम में बुत की पूजा नहीं है। किसी भी किस तस्वीर को हम लोग अपने ध्यान में रख के पूजा नहीं करते हैं, खुदा को खाली। क्या वजह देख रहे हैं आप, फिर क्या वजह देख रहे हैं इसके पीछे? ये वजह साफ साफ है कि वहां पर जो है दबंग लोग हैं और दबंग लोग होने के कारण जहाँ टैक्सियां गाड़ी अपनी सब ट्रैक्टर वो लोग खड़ा करते हैं और ये उस लेकिन अशोक जी ने तो ये भी कहा कि कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के तहत ये सब किया जा रहा है। अतर हुसैन जी, क्या वाकई ये षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है कि 1500 लोगों को इस्लाम धर्म कबूल कराया जाए? ये षड्यंत्र तो मैं नहीं कहूंगा, पर हाँ ये जरूर कहूंगा कि जैसे जैसे सियासत मजहब के अंदर दाखिल हो रही है और मजहब सियासत में दाखिल हो रहा है तो ये दिक्कतें दिख रही हैं। और अब जो कई हमारे पहले जो एक्सपर्ट्स ने कह दिया कि ये एक प्रोटेस्ट का तरीका बन रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि ये पूरा सियासी खेल है। और जैसा कि अभी रजा साहब ने बहुत खूबसूरती से बताया कि मजहब इस्लाम में कहीं भी गुंजाइश नहीं कि आप इस्लाम मजहब पर भी रहें और बुत परस्ती भी करें, तो ये प्योरली पॉलिटिक्स है। और इसमें लोग अब प्रोटेस्ट, जैसे पहले गांधीयन प्रोटेस्ट के तरीके थे अनशन और तमाम आंदोलन की शक्ल, अब ये मैं समझता हूँ एक नया प्रोटेस्ट का तरीका आ रहा है कि आपकी ख्वाहिश, आपकी जो मांगे नहीं पूरी हो रही हैं तो आप फौरन कह दें। कुमार जी जवाब दीजिए। राजनीति नहीं बिन बिन धर्मा, राजनीति तो बिना धर्म के होती ही नहीं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, रघुपति राघव, राजा राम लेके आगे बढ़े, चाहे वो कोई भी व्यक्ति, लेकिन उन्होंने ईश्वर अल्लाह तेरो नाम तो सब के नाम ही धारण करना पड़ता सारे है। और धर्म को ही महात्मा गांधी ने सारे धर्म को आगे में शुचिता और नैतिकता की बात करने वाले लोगों की अगर चिंतन करें, आज उनकी जयंती भी है, चाहे नानाजी देशमुख साहब हो और चाहे वह लोकनायक जयप्रकाश हो, अगर उन्होंने कहा कि 60 वर्ष में त्याग पत्र दे देना चाहिए, राजनीति की शुचिता में काम करना चाहिए, तो क्या उस पर हमने कभी चिंतन किया क्या? इसलिए कोई भी चीज यहाँ पे सिवाय अड़ंगेबाजी के, जहां टोटल परिवार की संख्या 6 लोगों की है जो इस पूरे मुद्दे का विरोध कर रहे हैं, और पहले वो सब लोग साथ थे, जब मूर्ति आई तब भी साथ थे, जब मूर्ति लगाने का प्रश्न हुआ तो उन्होंने ईंटा फेंकना शुरू कर दिया, तो इसमें कोई ऐसी सियासत नहीं। कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो उनको भड़का रहे हैं और भड़का करके संवेदना फैलाने का काम, संवेदना भड़काने का काम कर रहे हैं, और वह अपनी जायज नाजायज मांग मनवाने के लिए धर्म परिवर्तन का सहारा ले रहे हैं। पूरे तौर पर धर्म का खेल शुरू क्यों किया आप लोगों ने? खेल तो आप लोगों ने शुरू किया ना, धर्म तो हम धर्म के बने कहना कि राजनीति तो बिना धर्म धारण की हो ही नहीं सकती, आपके पीछे बिना धर्म के राजनीति नहीं होती, बिना धर्म के राजनीति त्याग होगा उसमें, लेकिन धर्म का इस्तेमाल करने की राजनीति चाहे वो राजा रामचंद्र रहे हो। देखिए धर्म का काम होता है राजनीति का मार्गदर्शन करना, राजनीति का इस्तेमाल करके उसको खिलौना बनाना धर्म का काम नहीं है। धर्म जो है मापदंड के रूप में रहता है कि हमारी नैतिकता उसका घालमेल मत करिए अशोक जी। धर्म और मजहब का फर्क जो है ये जरा करना सीखिए कि मजहब रिलीजन यह धर्म नहीं है, यह अनुवाद भी उसका सही नहीं है। और जहां तक रजा साहब ने एक बात कही, मैं बता दूं आपसे, वेदों में किसी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है, कहीं मूर्ति पूजा नहीं कही गई है। यह मूर्ति पूजा भारतवर्ष में आई कहां से? ईसा पूर्व 2500 वर्ष के पहले किसी मंदिर का कोई निर्माण नहीं हुआ था और कोई
बुत परस्ती जिसको ये कहते नहीं थी, वेदों में ही किसी मंदिर का कोई उल्लेख नहीं है। यह जब ग्रीक आक्रमण हुआ और ग्रीक लोग मूर्तियां बहुत अच्छी बनाते थे, तो भारतवर्ष में जब वो आए और यहां मिलित हुए, तो यहां के लोगों के मन में जो कल्पना ईश्वर की थी, भगवान की थी, उसके अनुसार मूर्तियां गढ़नी शुरू हुई। और आप देख लीजिए जितने मंदिरों का इतिहास है वो ईसा पूर्व 2500 से प्रारंभ होता है। और कोई आवश्यक नहीं सनातन धर्म में मूर्ति को पूजना, कोई आवश्यक नहीं है। और नहीं कोई और तो आवश्यक भी उनके लिए है जो जीवन दे देते हैं, कहते हैं राम मंदिर निर्माण काशी में एक स्थान पर एक व्यक्ति के घर पहुंचा तो उनका देखिए शांति से चप्पल उतार के बाहर आइए, भगवान सो रहे हैं। और जब हमने कहा जरा सा दर्शन करा दीजिए, तो उनका नहीं, भगवान बिल्कुल सो रहे हैं, एकदम डिस्टर्ब मत करिए। फिर भी पर्दे में से मैंने देखा नाइट सूट पहन के भगवान को बाकायदा क्वायर लगा के मच्छरदानी लगा के सुलाए गए। ये एक आस्था का प्रश्न है, और यह आस्था और भाव भी ईश्वर तक ले जाता है। मंदिर भी हमारे लिए आवश्यक है, और मंदिर नहीं है तो भी आवश्यक है। आर्य समाजी मंदिर को नहीं चाहते हैं, सनातनी उसे मंदिर को पूजते हैं। तो हमारे यहाँ सभी लोगों को कहा एकम सत विप्रम बहुधा बदंती, सच एक है, और उसे विभिन्न नामों से विभिन्न सारी बातें ठीक है। लेकिन मेरा सवाल वहां आकर रुकता है कि आखिर सियासत इसके लिए जिम्मेदार है, या फिर वाकई लोग मजबूर हो गए हैं इस तरीके का तमाशा करने के लिए, क्योंकि बिना तमाशे के उनकी सुनवाई नहीं होती है, या फिर जिस तरीके से चुनाव नजदीक आता है वैसे वैसे मामले बढ़ते जाते हैं, इसकी भी तो वजह कुछ होगी ना। हिंदू समाज में धर्म को कभी भी यह नहीं कहा गया है कि आप इसको ब्लैकमेलिंग का धंधा बना दीजिए। धर्म एक मार्गदर्शक है। कौन है जो लोग इसको धंधा बना रहे हैं? धर्म वो जो इस समय व्याकुल है, इस समय देश को एक देखना नहीं चाहते, वो नहीं चाहते कि सभी समाज मिलकर के एक हो। अरे भाई वहां मंदिर है और वहां काली जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो रखने देना चाहिए, मनोज लोगों को मिलकर रखने देना चाहिए, और जो विरोध कर रहे हैं उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जवाब पहले वहां पे चंदा ही इकट्ठा हुआ था, सबने मिलकर के चंदा इकट्ठा किया। कुमार अशोक जी, सवाल तो इस बात का भी है कि जब भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में हुआ करती थी और एक भी परिवर्तन हुआ करता था, धर्म परिवर्तन, तो कहा जाता था कि हिंदू तो खतरे में आ गया है। अब 1500 लोग कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन करने जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन ही नहीं है, तो मैंने क्यों कैसे मान लिया जाए? मैंने क्यों कहा कैसे मान लिया जाए? क्या गारंटी है ये नहीं करेंगे? दो स्टैंड हैं इनके पास, ये वो समय समय पे बदलते रहते हैं। ब्लैकमेलिंग है, ये लोगों की संवेदना में ये ब्लैकमेलिंग है या फिर धर्म परिवर्तन की कोई साजिश? इस डिबेट में उस बात को लाना चाहूंगा कि लोग अपनी, जैसा अभी आपने कहा कि जब बीजेपी विपक्ष में होती है तो वो दूसरे रोल में होती है, उसको मैं कह लूं कि वो पता नहीं कितनी जल्दबाजी में होती है और कितना इस देश पे खतरा होता है, और जब सत्ता में बैठती है। अच्छा, हिंदुओं से वादा किसने किया था? कहीं लॉर्ड स्पीकर अगर हल्का सा उतर गया किसी कोर्ट के आदेश पे तो कौन भड़क जाता था? अगर कहीं पे कोई यात्रा, वो याद आ गया मुझे, 84 कोसी परिक्रमा, 2 साल हो गया बीजेपी की गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश में, ना योगी जी को सुध है और ना किसी बाबा जी को सुध है। अब नहीं चाहिए 84 कोसी परिक्रमा, लेकिन जब विपक्ष में थे अरे समाजवादियों ने 84 कोसी परिक्रमा बंद करा दी, अब क्यों सो रहे हो? तो कौन से नशे में हो आप? लेकिन नहीं नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। हाँ। आखिर हिंदुओं से इतना वादा किया, इतना वादा किया, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, आज एक माता काली की मूर्ति के लिए धर्म परिवर्तन की स्थिति आ गई हिंदू समाज में, तो ये कौन सी सोच? वो तो कह रहे हैं कि आप लोग, आप हमारे अशोक सिन्हा जी ने आज बड़ी मजेदार बात कही इस डिबेट में, जिस दम पे भगवान राम के जन्म स्थल पे भव्य मंदिर बनाने की बात के लिए बीजेपी आई, और वो कह रहे हैं करोड़ों की आस्था का प्रतीक है, जरूरी नहीं कि वो परिस्थिति की जाए, बात मंदिर बने ना बने, मैंने आपसे कहा कि मूर्ति समाज का बड़ा आस्था का प्रतीक है। मुझे इन लोगों की बातें सुनकर राम पे क्यों यहाँ पीड़ा हो रही है? करोड़ों यहाँ भगवान राम के हिंदू है, मूर्ति रखी ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए आप हर बात को आपकी सारी बातें अयोध्या तक हमने वैदिक काल का उदाहरण दिया, कोई बात नहीं, मगर राम तो हमारे आस्था का प्रतीक है, हमारे सारे मनोज यादव, एक सेकंड रुकिए। जो अशोक कुमार जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं तुष्टिकरण के लिए ये सब आप करा रहे हैं क्योंकि आप बेचैन हैं,
तो बयान ले लीजिए ना, मजाक बना रहे हैं हम लोग, हैं बांटने वाले कौन है, देखिए तो मजाक मत बनाओ भाई, हम बांटने हैं, हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, हमने कभी ये बात कही, बात तक सीमित रखने जो संवैधानिक प्रक्रिया है लोगों को उस प्रक्रिया से सबको गुजरना पड़ेगा। पहले हिंदू राम मंदिर बनने की जगह को भिन्न निर्धारित है तो मूर्ति रखी जानी चाहिए, हिंदुओं की भावनाओं से कोई लड़ाई नहीं। अच्छा कांग्रेस लड़ाई तो मुसलमानों से भी नहीं है, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे, मुसलमानों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर धर्मांतरण का जो धंधा चल रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसकी जड़ें आखिर कहां तक फैली हुई हैं, कैसे इस पर रोक लगेगी। छोटा सा ब्रेक, फिर लौटते हैं। आपका स्वागत है, आप अखाड़ा देख रहे हैं, तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अमरनाथ जी, मेरा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये, आपने कहा कि अगर वहां पर मूर्ति नहीं लगेगी तो हम धर्म परिवर्तन कर लेंगे, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मान रहे हैं कि अगर ये नौबत आज आ रही है समाज में कि अपनी एक मांग के लिए धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है, जिम्मेदार कौन है, सियासत है, सरकार है, प्रशासन है, कौन है इसके लिए? देखिए, ये मंदिर में मूर्ति स्थापना करना ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक काम है और इसको तो जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है और वहाँ के SDM और CO की जिम्मेदारी है कि स्थानीय लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए नवरात्र में मूर्ति स्थापना करने दें। कोई नई जगह तो मूर्ति स्थापित कर नहीं रहे हैं और इसको हम राजनीतिक षड्यंत्र नहीं मान रहे हैं, ये लोगों के प्रति अंदर मन में उनके गुस्सा है कि जब वो अपने धर्म में रह करके अपने प्राचीन मंदिर में मूर्ति की स्थापना नहीं कर पा रहे हैं और उनकी कोई सुन नहीं रहा, इसलिए उन्होंने कहा हम धर्म परिवर्तन करेंगे। तो वो धर्म परिवर्तन ना करने पाए इसलिए हमारे जो सरकार है प्रदेश की या जिला प्रशासन, वो क्या कर रहा है? पहला सवाल तो अमरनाथ जी यही खड़ा होता है कि ये कौन से धार्मिक लोग हैं जिनको अपने धर्म पर आस्था नहीं, बात बात पे धर्म छोड़ने की धमकी देने वाले लोग, इनको आप धार्मिक कहेंगे, धर्म के ठेकेदार है, धर्म के दलाल कहेंगे इनको आप? अमरनाथ जी, नहीं नहीं, कोई धर्म का दलाल नहीं है, कोई धर्म का दलाल ठेकेदार नहीं है, ये उनकी मजबूरी है, ये मजबूरी में उन्होंने ये बात कही है साहब, ये देश की मजबूरी, धर्म अमरनाथ जी ठेकेदार और दलाल मत कही है, ये गलत कह रहे हैं। अमरनाथ जी, इस देश में लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, आप कहां बात कर रहे हैं? ये लोग धर्म की रक्षा करेंगे जो बात बात पे कहते हैं हम धर्म, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जब धर्म, अरे भाई, जब धर्म की रक्षा के लिए किसी को जान देने की बात होगी तो देंगे, अगर धर्म के लिए लोग अपना जीवन दे रहे हैं कि हम अपना धर्म के लिए जीवन देंगे, हम मंदिर में मूर्ति स्थापना करेंगे, सनातन धर्म की हम प्रचार प्रसार करेंगे, तो आप उसमें मदद करिए, आप उनको ये क्यों कह रहे हैं कि वो धर्म के ठेकेदार हैं, दलाल हैं, ये तो उचित बात नहीं है। धर्म की रक्षा, मूर्ति स्थापित करना चाहता है तो आप उसका अपमान करेंगे, धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा, ये हमारा पूरा संबोधन रहा है कि धर्म रक्षति रक्षता, तुम धर्म की रक्षा करो, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। मैं मानस जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि धर्म के लिए लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी हैं, न जाने कितने लोगों ने अगर इस तरह से अपने को ना कुर्बान किया होता तो वो मुगल शासन से लेकर के आज तक हमारा सनातन कैसे बचा रहा। आप क्या चाह रहे हैं कि धर्म के लिए परिवर्तन कर ले वो लोग? नहीं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है और ना ही कोई परिवर्तन होने जा रहा है। निश्चित तौर पर अब समय आ गया है कि जो छोटी मानसिकता के सियासी दल है, जो इस तरह का छोटा नजरिया रख करके समाज में घिनौना खेल खेलते हैं और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं, उनकी दुकानें बंद करने के लिए धर्मांतरण पर कानून बनाने की एक बहुत बड़ी आवश्यकता आन पड़ी है और इस पर निश्चित तौर पर कानून बनेगा। पहले मोरारजी देसाई ने इसकी पहल की थी, लेकिन उस समय पर लोगों ने रोक दिया। अभी आप मूर्ति स्थापित करने दीजिए, मूर्ति स्थापित हो जाएगी भाई, अभी सरकार वहाँ मूर्ति स्थापित होगी और वहाँ पे कानून जब बनाएंगे, वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में मूर्ति स्थापित करने के लिए कहा गया है, मूर्ति वहाँ निश्चित स्थापित होगी, वो किसी तरह रोका नहीं जाएगा। मूर्ति स्थापित से समरसता, समाज में समरसता पैदा करने का काम है कि अगर कहीं मंदिर है, देखिए लक्ष्मी जी, पूजा घर है। मनोज जी, अशोक सिन्हा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये प्रकरण जो है स्पष्ट रूप से ये 5-6 दबंगों का है, कुटिल लोगों का है और यह राजनीति के इशारे पर हो रहा है और इसको तत्काल वहां के प्रशासन को चाहिए कि इस पर रोक लगाएं और सामाजिक समरसता को ध्यान में रखते हुए जो लोग मूर्ति वहां स्थापित करना चाहते हैं तत्काल उनको संबल प्रदान करें जिससे वो मूर्ति वहां स्थापित हो सके और सब लोग पूजा करने के लिए उस मंदिर में जाएं।
क्योंकि यह राजनीति के जो धमकी लोग दे रहे हैं या मजबूरी में, या उनको लग रहा है कि हम हिंदू धर्म छोड़ेंगे तो पुलिस प्रशासन या इस समय की सत्ता जो है वह खड़ी हो जाएगी मेरे लिए, वहां प्रशासन को यह बल प्रदान करना चाहिए ऐसे लोगों को समाज में। अशोक सिन्हा जी, समझ में इस बात को नहीं आता है कि हमारी जो परंपरा रही है इस देश की, कि लोगों ने धर्म धर्म को कभी ढाल नहीं बनाया आपने, बल्कि धर्म की रक्षा के लिए खुद ढाल बन के आगे खड़े रहे। ये क्या तमाशा शुरू हो गया इस देश में कि बात बात पर कोई भी आदमी आके कह दे रहा है कि हम मुसलमान कह रहा कि हम हिंदू बन जाएंगे, हिंदू कह रहा मुसलमान बन जाएंगे, ये हो क्या रहा है इस देश में तमाशा? ये धर्म बिल्कुल व्यक्तिगत विषय है और धर्म परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। जिलाधिकारी को सूचना देनी पड़ती है, सरकार को क्या अनुमति लेनी पड़ती है, सरकार को क्या ब्लैकमेल करने का एक जरिया बना लिया लोगों ने? नहीं, ये जो ये गलत प्रक्रिया है और इसका मैं भर्सना करता हूँ कि जो लोग धर्म की धमकी दे करके या मजहब की धमकी दे के और पंथ परिवर्तन की धमकी दे करके यह चाहते हैं कि हम काम करा लें, मैं समझता हूँ कोई समाज का व्यक्ति ऐसे व्यक्तियों के साथ नहीं खड़ा होगा। परंतु पूजा स्थान एक होना चाहिए, मंदिर में सभी को जाने की अनुमति होनी चाहिए और मूर्ति भी स्थापित करने देनी चाहिए, और अगर इसमें कोई बाधक दबंग तत्व है तो उस पर प्रशासन को कड़ी कार्रवाई। प्रशासन का प्रशासन की नाकामी हो सकती है कि उसने क्यों नहीं ध्यान दिया? नहीं, प्रशासन ने जांच कर रहे थे, बार बार यहाँ पे हमारे वो साथी जो इस सरकार के साथ जुड़े हुए हैं वो इसकी बात कह रहे हैं कि प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। तो मैं अपने पहले भी वक्तव्य में मैंने यही कहा था कि कहीं ना कहीं ये एक स्टेट का फेलियर है और जो राजनीति में धर्म का इस्तेमाल हो रहा है। एक तरफ हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जो पूरे सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, वो उनका वक्तव्य आता है कि मैं ईद नहीं मनाता, मैं दिवाली मनाता हूँ। तो जब इस तरह के बयान आएंगे तो राजनीति तो होगी धर्म के नाम पे। लेकिन आप तो ये चाहते हैं कि नहीं, नहीं, ईद मनाए? तो नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता। अख्तर हुसैन साहब, जी जी, आप ये क्यों चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ईद मनाए? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ईद मनाए, मेरी बात तो सुनिए। जब आप इसको कहने की जरूरत क्या थी? आप दिवाली बनाइए बिना ईद बनाए हुए, आप दिवाली बनाइए, धर्म में रहने का पूरा अधिकार है नहीं मनाता, और हर आदमी को अपने धर्म में मुकम्मल अधिकार क्या है कि वो अपने धर्म में रहे और अपना प्रचार प्रसार अपने धर्म में करे। वो बिल्कुल दूसरे धर्म में दिवाली मनाए, खुशी से मनाए। मैं दिवाली मनाता हूँ, मैं दिवाली मनाता हूँ, मैं होली मनाता हूँ, पर मैं ये नहीं कहता की बात कर रहे मैं ईद नहीं मनाता, मैं दिवाली मनाता हूँ। हुसैन जी, आप बनाते हैं क्या दिवाली? जी हाँ, मैं बनाता हूँ। दिवाली बनाते हैं क्या? जी हाँ, मैं बनाता हूँ। मैं बनाता हूँ, मैं अपने मित्र के यहाँ जाता हूँ, जब उनके हत्थिए जलते हैं मैं साथ में खड़ा होता हूँ। की बात रखिए जी, समाज को बांटने का बहुत खेल खेल लिया। समाज को जोड़ने की बात कर रहा हूँ। जब आप समाज को बांटेंगे तो फिर समाज के बंटवारा हर रूप में होगा, तो उसका ही ये सामने चीजें दिख रही है। अच्छा, ये यही आपकी बेचैनी है? एक बात समाज में खेल नहीं खेल पा रहे, दंगे फसाद नहीं कर पा रहे? नहीं, मैं तो पता ही नहीं चाह रहा हूँ, कह कह के आप लोग कराना चाह रहे हैं। अतर साहब आते हैं, एक सेकंड अतर जी। रजा साहब, एक सवाल समझ में नहीं आता कि बार बार ये धमकी क्यों दी जाती है कि हम हिंदू से मुसलमान या मुसलमान से हिंदू बन जाएंगे, जबकि इस देश में दलितों ने सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन किया तो बौद्ध में किया। सनातन धर्म से ही निकले हुए जैन भी है, बुद्ध भी है, बहुत सारे धर्म है जो हिंदू धर्म से निकले, तो ये बार बार हिंदू और मुसलमान की धमकी क्यों दी जाती है दोनों ही तरफ से? देखिए, वो तो ठीक है, लेकिन इस्लाम में साफ साफ कुरान शरीफ में है ला इकराह फिद्दीन, साफ साफ है ला इकराह फिद्दीन, तुम्हारा धर्म तुम्हें सलामत, हमारा धर्म हमें सलामत। बिल्कुल साफ है, अगर मुसलमान ये पढ़ ले तो कहीं झगड़ा हिंदू मुसलमान का हो ही नहीं सकता। आप अपना धर्म कीजिए, हम अपना धर्म करें। ये जो मौजूदा हालात में जो हिंदू से लोग मुसलमान हो रहे हैं और जो मुसलमान से जो लोग हिंदू हो रहे हैं, ये सीधा सीधा अपना फायदा लेने के लिए, व्यक्तिगत फायदा लेने के लिए समाज के सामने ये चीज रखते हैं कि शायद उससे जिला प्रशासन डर जाए, उससे सरकार डर जाए और हमारी बात जो है वो एक्सेप्ट कर ले, और हमारी जो ये नया प्रकरण है जो महिला कह रही है कि हम धर्म चेंज करके मुसलमान हो जाएंगे, तो हो सकता है सरकार चेते कि नहीं नहीं भाई तुम्हारा मूर्ति वहां जल्दी रखवाते हैं, जिला प्रशासन चेते जल्दी मूर्ति रखवाते हैं। उनका खाली आशय है। जब मैं कह रहा हूं तो अमरनाथ जी को बुरा लग रहा है, करें कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? तो आखिर बात तो घूम फिर यही ना कि धर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म को आगे रख करके अपने अपने लक्ष्य पूरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जब बीज बोया और बो के उसको सींचा, बीज अमरनाथ जी ने भी बोया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अमरनाथ जी को मैं बधाई दूंगा। अमरनाथ जी तो वो बात कह रहे हैं, समन्वय का काम करते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 325 सीट कैसे जीत लिए, किस तरह जीत लिए?
वो सब लोगों ने मिलकर वोट दिया ना, उनको लगा कि हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं कोई योगी जी, और योगी जी के नाम पे सरकार बनी और योगी जी बाद ठीक है, बाद को आए, लेकिन भाषण प्रचार तो नहीं करता। आज बीजेपी अगर इस स्टैंड पे आ गई कि हिंदुओं के मूर्ति और हिंदुओं में ही झगड़ा और बीजेपी फिर भी कुछ नहीं कर पा रही, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आज बिल्कुल सिद्ध कर दिया बीजेपी के साथी ने भी कि भैया राजनीति में धर्म का समावेश पूरी तरीके से होगा। मैं और ये बात समाजवादी पार्टी राजनीति में धर्म का समावेश होता ही नहीं होता, यही बात है। और राजनीति मुलायम सिंह ने पहले चलवा ली एक बनने के लिए, मौलाना लग रहा है कि पूरी तरीके से उन्होंने तरीके से इंसान दिलाने को गोली चलाई करना चाहिए और 200 से ऊपर का सेवक मार दिए, मूर्ति रखा हुआ नहीं है। आज जो है चोपी लगाने का काम जो है सियासत करने के लिए की जाएगी, आप सिन्हा साहब को रखी जा रही है, सिन्हा साहब ने कहा है, सिन्हा साहब ने भी कहा है कि मूर्ति रखी जाएगी और मूर्ति रखी जाएगी अशोक जी, अशोक जी अशोक जी पूजन भी होगा अशोक जी, हमको मार्गदर्शन दिखाइए मनोज यादव। एक बात ये समझिए कि क्यों ना आपको जिम्मेदार माना जाए, ये जो व्यवस्था इस वक्त जो परिवर्तन हो रहा है कि लोगों को अपनी बात मनवाने के लिए इस देश ने गांधीवादी रुख छोड़ दिया है और फासिज्म की तरफ बढ़ रही है कि तुम ये नहीं करोगे तो हम ये करेंगे, तो इसके लिए तो क्यों ना बीजेपी और सपा और तमाम सियासी दलों को जिम्मेदार माना जाए। की विचारधारा में माना जी कोई खोट नहीं, खोट कैसे नहीं है, सबका साथ जो ये नारा देते हैं ना, समावेश सबका है, सबका विकास, अरे विकास आपको जिम्मा मिला है ना, साथ तो हमारे पास सबका है, हम पक्ष में है, आप विकास के लिए आज तक मेरे पास आज की ब्रेकिंग न्यूज आगे नहीं बढ़ा सकती। बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ शामिल होने के लिए। चाहे सियासत हो और चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, कहीं ना कहीं फेलियर सबका इसमें नजर आ रहा है कि लोग छोटी सी अपनी चीजों को लेकर भी धर्म परिवर्तन की धमकी दे रहे हैं। आखिर धर्म परिवर्तन का धर्मांतरण का धंधा कौन चला रहा है, ये एक बड़ा सवाल। अखाड़ा में आज के लिए इतना ही, नमस्कार।